नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह। न्यूज़ 18 की खास पेशकश कहता है वोटर में आपका स्वागत है। कहता है वोटर में आज हम पहुंचे हैं कुनकुरी विधानसभा, और कुनकुरी विधानसभा मुख्यालय में यहां पर हम वोटरों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुनकुरी विधानसभा के बारे में बता दूँ तो कुनकुरी विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई। इससे पहले यहाँ पर जो है तपकरा विधानसभा हुआ करती थी और सीमन के बाद यहां पर कुनकुरी विधानसभा बनी, और कुनकुरी विधानसभा में लगातार भाजपा के विधायकों का कब्जा रहा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां जो है कांग्रेस के प्रत्याशी यूडी मिंज ने जो है विजय हासिल की, और अब जो है आगामी चुनाव जो है विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तो हम चलते हैं कुनकुरी के आम वोटरों के पास और जानते हैं कि इन 5 सालों में यहाँ पर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वोट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं अभी विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ दिनों में, तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप लोग वोट करेंगे। मुद्दे क्या होंगे ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। मुद्दे विकास के मुद्दे होने चाहिए, आम आदमी से जुड़े हुए जो जरूरत की जो बातें होती हैं वो मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन यहाँ उन मुद्दों पर चुनाव होते नहीं हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये काफ़ी पोलराइज सीट है, और यहाँ पर मतलब सांप्रदायिक मसलों पर यहाँ पर चुनाव होते हैं, और मुद्दा विकास का होना चाहिए। मैं यही कहूँगा, विकास के मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे पर मतदान होनी चाहिए, और बेवजह के मुद्दे नहीं आने चाहिए चुनाव के वक्त में। जी कुछ और लोग हैं, आप बताइए यहाँ पर पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, और इससे पहले जो यहाँ पर विधायक थे उन्होंने कितना काम किया था, और जो आगामी जो चुनाव हैं इनमें आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, कि क्या मुद्दे थे जो अधूरे रह गए, जिनमें काम होना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया। बताना चाहूँगा आपको, कुनकुरी विधानसभा में भाजपा की 35 साल तक विधायक रहे, उन्होंने जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, विकास कार्य किया, उससे जनता नाराज़ थी, तभी कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन आगामी समय में हमारी मांग है कि जो ये हमारा कुनकुरी क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ लॉ कॉलेज हों, मेडिकल कॉलेज हों, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये यहाँ का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पे यातायात की सुविधाएँ भी कम हैं। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज और कृषि महाविद्यालय तो खुल चुका है, किंतु यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी होने चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य कार्ड योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड योजनाएं चल रही हैं, इनका सही लाभ कुनकुरी और जसपुर क्षेत्र के जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस ओर भी सरकार को भी ध्यान देना होगा। तो हमारा मुद्दा तो स्वास्थ्य और शिक्षा ही है, साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर लोगों को मिलने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात जो है वो यूथ जो वोटर्स हैं वो कर रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। मुद्दे तो विकास का होना चाहिए, और विकास देखिए सरकार की नीति पे विकास निर्भर करती है, कि सरकार नीति कैसे बना रही है। और आज मैं तो ये 35 साल का नहीं बोल रहा हूँ कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद 75 साल में हमारे ज़िले को क्या मिला है। सरकार की जो नीति है वो सरकार की नीति से विकास होता है, सरकार की योजना से। इस टाइप की ये दोनों सरकार ऐसे नहीं हैं, कांग्रेस और बीजेपी की, जिसकी योजना आम जनता तक, जन जन तक पहुंची हो। ये इनके योजना जो रहते हैं हाथी के दांत के टाइप के रहते हैं। अगर किसान के लिए बोला है तो आप ब्लॉक ऑफिस जाइए, 12 किसान को दे रहे हैं, क्या 12 किसान एक ब्लॉक ऑफिस में होता है? है इनकी योजना जो है हाथी के दांत के समान है। इसलिए जो विकास के तौर पे जो सबके लिए, एक अगर किसान के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, या गरीब तफरका के आदमी के लिए हो, विकास हो, कोई भी विकास का कार्य हो, शिक्षा हो, जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप उनके लिए वो अपने आप विकास की ओर जाएंगे। तो शिक्षा विशेष जोड़ है यहाँ। कोई भी, जैसे पूर्व में बोले कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे बच्चे, हम सुदूर इलाका से रहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं रायपुर, बिलासपुर, आने जाने में कितनी खर्च हो रही है, इसको आज 75 साल में दोनों सरकार ने नकार दिया है। इसलिए हम लोग जनता भी इनको नकारेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं वो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों से नाराज हैं, और उनका कहना है कि हम दोनों को नकारेंगे। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी रहेंगे? मुद्दा क्षेत्र का मत दिखे सिंह जी, एक बात जान लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार या कोई भी
किसी का भी शासन हो, यदि भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, कमीशन खोरी हो, ये सब हो, तो ये जनता तक बात जाती है और जनता ये सब देखती है। 5 साल का आकलन उनको स्वयं करना चाहिए कि कार्य कैसा किया। रमन सिंह जी थे, बीजेपी की सरकार थी, 15 साल लगातार शासन में रही, निश्चित रूप से कुछ कमी रही होगी कार्य में, कहीं ना कहीं जनता असंतुष्ट थी, नकारा उनको। वर्तमान सरकार भी देखे कि जमीन में वास्तव में कार्य कितना प्रतिशत हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है 18 नियुक्तियों को लेकर। अब सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरा होगा, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरा होगा, जो गरीबी से पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, और उनके बच्चे उस परीक्षा में फेल हो गए। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दिया, गरवानुरुआ धुरुआ गौशाला जो गौठान है उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा और कितना बुरा है। तो मुद्दे बहुत हैं और क्षेत्र में कोई भी विधायक रहता है विकास का कार्य करता ही है, बजट रहता ही है, वर्तमान विधायक ने भी किया, पूर्व के विधायकों ने भी किया, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत काम नहीं किया या बहुत ज़्यादा किया। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भी कुछ कार्य अच्छा कर जाता है। पिछले 3 बार 15 साल भाजपा की शासन थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं वो 15 साल में नहीं हुए थे, और आने वाला चुनाव भी, चुनाव का मुद्दा भी विकास का मुद्दा ही होना चाहिए। जो विकास करेगा उसी को वोट होना चाहिए। अभी जो 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, शायद पिछले 10-15 सालों में ऐसा विकास कार्य हमारे ज़िले में, हमारे विधानसभा में नहीं हुआ था। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ वो पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ था, कुछ और लोग हैं। आप बताइए इस क्षेत्र में क्या कमी रह गई और क्या मुद्दे होंगे जिनको आप चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए जो अधूरे रह गए हैं। किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, विकास हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं देख लीजिएगा, गाँव में घूम लीजिएगा, उनका विकास आपको स्वयं नजर आएगा। आप बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सोचे होंगे कि इन मुद्दों पर मुझे वोट करना है, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके मांगों को पूरा कर सकें, तो क्या आपकी मांगे क्या हैं? मेरी मांगे तो जो थी जो वो कि हमारे जो माननीय विधायक जी थे वो तो पूर्ण कर रहे हैं, सारे समाजों को भी लेकर चल रहे हैं, सारे जितने भी कार्य हो रहे हैं भवन से लेकर कहते पूरा गाँव में भी जहाँ सड़क वड़क सारा चीज़ का सुविधा दे रहे हैं हमारे विधायक, और आने वाले समय में विधायक हमारे फिर वही आएंगे, उनके बाद जो भी कहते छोटी छोटी बड़ी जो भी वो बचा है उसको भी पूर्ण करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो विधायक हैं उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन कुछ लोगों में यहाँ नाराज़गी भी देखने को मिली है। आप बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं अभी, उनमें क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको सोचकर आप वोट करेंगे, या पिछले 5 सालों में क्या ऐसे काम अधूरे रह गए जो पूरे होने चाहिए थे? देखिए, मुद्दे तो हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है, अपने घोषणा पत्र के हिसाब से लोग चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ खास करके कुनकुरी विधानसभा जहाँ मैं निवास करता हूँ, यहाँ के बारे में बोलेंगे तो जो काम 15 साल में भाजपा के सरकार में नहीं हुआ वो काम अभी कांग्रेस के विधायक यूडी मिन ने किया है यहाँ। तो यहाँ विकास के कामों को लेकर आम आदमी में कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि कि ज़रूरत से ज़्यादा काम हुआ है, लोग खुश हैं कांग्रेस के काम से। तो आप देख सकते हैं कि लोग खुश हैं कांग्रेस के काम से, ये कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। आप बताइए भाई साहब, कुनकुरी विधानसभा चुनाव नहीं है, चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, पार्टियों ने भी जोर आजमाई शुरू कर दी है, चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है, तो क्या मुद्दे होंगे कुनकुरी से जिनको लेकर आप वोट करने वाले हैं? कुनकुरी में तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विकास हुआ है, और वो विकास हुआ है जो वो काम हुआ है जो उस काम अछूता था उनको यूडी मिंज ने किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा काम हो भी रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की राय दी जा रही है लोगों से। अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और कुनकुरी विधानसभा में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जाएंगे वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत से हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि आश्वासन में कम से कम 1 अरब का जो है घोषणा यहाँ हो चुका है। अब वो कब होता है, जब हो जाए तब हम ये कहेंगे कि काम हुआ। कुछ काम होते हैं तो अड़ंगा भी लगता है। विकास के अलावा बाकी सारी चीज़ें हो जा रही है, करने का प्रयास किया जा रहा है,
और भविष्य में देखते हैं क्या होता है। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे जिनको देखकर आप वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, मेरे साथी भैया ने सही बात बोला। पूर्णतः हम विकास के मुद्दे पर ही अगला मतदान करेंगे और निश्चित ही बाकी धर्म विशेष, जाति विशेष असंभावनाओं को छोड़ते हुए हम चाहेंगे कि सीधे सीधे विकास के मुद्दों पर मतदान करें, और निश्चित ही विकास के मुद्दों पर मतदान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी विकास की बात करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये कुनकुरी विधानसभा मुख्यालय के वोटर्स थे, इनसे हमने बात की तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ का कहना था कि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन जो ज़्यादातर मतदाता हैं उनका कहना है कि काफ़ी काम अधूरे रह गए हैं, घोषणाएँ हुई हैं लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुए हैं। बहरहाल हम चलते हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के और किसी विकासखंड में और बात करते हैं वहाँ की जनता से और जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो वोट करने वाले हैं। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है फरसाबहार विकासखंड। फरसाबहार विकासखंड को नागरोक के नाम से भी जाना जाता है, और आज हम बात करते हैं फरसाबहार विकासखंड क्षेत्र की जनता से और उनसे जानते हैं कि आखिर पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, या पिछले 5 सालों में जो काम होना चाहिए था वो हो पाया नहीं, या आने वाले समय में वो क्या विकास चाहते हैं क्षेत्र का। आप बताइए कि इन 5 सालों में क्या कितना विकास हुआ और आने वाले समय में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी होनी चाहिए इस क्षेत्र के लिए। क्या है, इस क्षेत्र में विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है 5 साल में। सिर्फ सामुदायिक भवन दिया गया, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। बहुत सारे हमारे गाँव का लोकल है, झिलीबेरना रोड है, कच्ची टोला रोड है, इधर का और भी रोड है, कहीं हॉस्पिटल रोड है, कहीं आने जाने के लिए रोड है ही नहीं, ना पुल पुलिया है। हमें जो भी है यहाँ के जनप्रतिनिधि उससे तो निवेदन पूर्व में लिखित में दे चुका हूँ कि यहाँ पुलिया चाहिए, यहाँ रोड चाहिए, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। आप बताइए कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना था, क्या काम हुए, या आने वाले समय में क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों पर नागदोक क्षेत्र में काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बहुत से योजनाओं में काम हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन में कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा हुई थी उसमें सभी मुद्दों पे कार्य हुए, और हमारे क्षेत्र के ग्राम में हमारे ग्राम के सभी ब्लॉक के ग्रामों पंचायतों में विकास के कार्य हुए। मूलभूत सुविधाओं में जैसे सड़क का जो निर्माण हुआ है, गली गली में जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है, और पानी का समस्या जो था वो हैंडपम्प के माध्यम से जो हुआ है वो सबसे अधिक हुआ है, लेकिन जो नल और जल के द्वारा पूर्ति होना था उसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है, इसको मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि नागदोक क्षेत्र में काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि जो फरसाबहार क्षेत्र है पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ यहाँ पर, और क्या उम्मीदें हैं, और क्या यहाँ पर आपको चाहिए? विकास के नाम से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ना यहाँ ब्लॉक खुला, ना यहाँ तहसील हुआ, उप तहसील का मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए वो भी नहीं हो पाया। विकास तो जैसे किसी भी राष्ट्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे ब्लॉक की हो, मेन होती है प्रशासन, दूसरा रोड, तीसरे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो भी विकास जहाँ भी होती है वो राष्ट्र संपन्न माना जाता है। और उस क्षेत्र में हम पूरे देश राज्य हर क्षेत्र में उतनी कोई विकास नहीं हो पाई उस क्षेत्र में, जितना होना जो जरूरतें हैं बच्चों को या लोगों को या जनता को। देखिए कुछ लोग हैं उनका मानना है कि जो विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आप बताइए। ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, पिछले 3 दशकों से यहाँ बीजेपी के विधायक रहा करते थे, और अभी 2018 जो चुनाव हुई है पिछली, उसमें हमारे कांग्रेस के जो विधायक आए हैं, और उनके आने के बाद जो जन सुविधा, जो जिसे कहा जाता है शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है, जो कि पिछले 3 दशकों में बीजेपी के
विधायक रहने पर भी ये सब काम नहीं हुए थे, जिससे क्षेत्र की जनता काफ़ी लाभान्वित हुई है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और कांग्रेस को ही लोग चुनेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे आने वाले चुनावों में जिनको लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? यहाँ विगत 35 वर्षों से बीजेपी का शासन रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और 35 वर्सेस आप 4.5 साल देखेंगे तो कांग्रेस की यहाँ बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि है। यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल की घोषणा हुई है जो कि निर्माण कार्य चल रहा है, उप तहसील की घोषणा हुई थी जो कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों की अनदेखी के कारण यहाँ उप तहसील नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। ये सड़क ही ले लीजिए आप, SH को, ये विगत 20-25 सालों से केवल रिपेयर हो रहा था। ब्रिटिशकालीन पुलिया इस रोड में बनी हुई है जो कि उसको हमारे कांग्रेस शासन में तोड़ के नया पुलिया अभी बन रहा है और विकास का कार्य निरंतर जारी है। कांग्रेस सरकार में निरंतर विकास ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूथ हैं उनका कहना था कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य कराया गया है। फरसाबहार विकासखंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो फरसाबहार विकासखंड जो है झारखंड और उड़ीसा दोनों की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर सड़कों की मांग लंबे समय से होती रही है और कुछ सड़कें अभी बनी हैं लेकिन अभी भी जो है कई सड़कें खस्ताहाल है जिनमें आवागमन को लेकर काफ़ी परेशानी होती है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे, या इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ और क्या उम्मीद थी कि ये और होना चाहिए? देखिए विधानसभा में जो चुनाव हुआ वो जीते भी अच्छे से हुआ और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन रोड, खाली मेन रोड में मैं जो रोड का तारीफ कर रहे हैं यहाँ के नेता, बड़े नेता छोटे नेता, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा हॉस्पिटल का रोड पैदल चल के बताएं, बस स्टैंड के पीछे पैदल चल के बताएं अभी तुरंत। अगर रोड अच्छा है तो फिर उनका तारीफ करें, पूरा गांव ताली बजाए। रोड 1% सही नहीं है, गांव के पीछे देख लीजिए, अब मेन बस स्टैंड के पीछे हॉस्पिटल अगर पैदल चला जाए आदमी तो मैं मान जाऊँगा। हॉस्पिटल के सामने इतना इतना गड्ढा है, पूरा रास्ता भर, जाके देख लीजिए आप। और क्या बोलें आपको, यहाँ काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ रोड को सीधा रोड बना दो ना तो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ का किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, खाली कमीशन खा रहे हैं और सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कमीशन के वो देखकर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप बताइए कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में और जो नागलोक है वहाँ की महत्वपूर्ण क्या मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हो पाई? देखिए यहाँ मांगे तो सड़कें, स्कूल सभी के थी और इन्होंने ठीक ही कहा कि भाई यहाँ सिर्फ कमीशन खोरी ही हुआ है और सिर्फ कमीशन ही लिया जाता था, सही बात है। अब ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल रोड जाके देख लीजिए, बहुत ही गंदा है, वहाँ आने जाने के लिए असुविधा होती है और यहाँ PM आवास भी दिया नहीं गया, युवाओं के साथ भी ठगा गया है, बहुत सारी खाली झूठी मतलब रही है इनकी वादे। तो आप देख सकते हैं इनके द्वारा कहा गया कि जो झूठा आश्वासन दिया गया लोगों को और कई अभी परेशानियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई। आप बताइए क्या परेशानियां हैं आपके क्षेत्र में और क्या उम्मीदें थी कि वो मांग पूरी होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई? कुनकुरी विधानसभा में 8 ब्लॉक हैं और मैं अपना ब्लॉक का बात करूँगा, तपकरा में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अभी जैसा कि बताएं कि रोड का जो मुद्दा है, हॉस्पिटल का रोड पूरा गंदा है, एक आदमी पैदल नहीं चल सकता है। विकास तो उसको कहते हैं जो रोड बन जाए, और ये रोड भी हाथ से नहीं हो गया, 20-25 दिन टूटा हुआ, कई दुकानें बंद हो गई, रोड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, यही कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह बिजली का समस्या रहता है हमेशा और शिक्षा का भी पूरा व्यवस्था चौपट है यहाँ, और रोड का हालत तो देख ही रहे हैं, अभी रोड बनाए चुनावी रोड वो भी धंसना चालू हो गया है, उखड़ना चालू हो गया है, रोड पूरा ख़राब चल रहा है। यहाँ रोड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जाने का भी मार्ग है, कन्याशाला भी वहीं जाते हैं, पंचायत मार्ग भी है, वहाँ आदमी पैदल जा ही नहीं सकता है। स्थानीय मुद्दे में अगर गाँव का मुद्दा देखा जाए तो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं उससे 5 साल में जो सुविधाएँ इसे
पूर्व की गवर्नमेंट में मिलती थी उससे और भी गंदा सुविधा है, मतलब बद से बदतर होते जा रहा है अभी के प्रशासन में। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, बस यहाँ लूट और खसोट लगा हुआ है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तपकरा क्षेत्र की जनता थी, और फरसाबहार विकासखंड का जो तपकरा शहर है, ये फरसाबहार विकासखंड का एक प्रमुख शहर है जिसे नागलोक के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा मार्ग पर जो है ये शहर स्थित है, और यहाँ के लोगों की मांगे, कई मांगे जो है पिछले 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इन पिछले 5 सालों में जो विकास होना था वो पिछले 35 सालों में यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है भाजपा के विधायक थे, और अभी जो वर्तमान कांग्रेस के विधायक यूडी मिंज हैं उन्होंने क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है, ये स्थानीय लोगों का मानना है। बहरहाल यहाँ पर मुद्दों को लेकर जो है तमाम वर्गों से हमने बातचीत की, और तमाम वर्गों में अलग अलग राय थी। कुछ का मानना था कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास हुआ है, तो कुछ का मानना था कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर।